रोमांचक मुकाबले में आखिरकार नेपाल ने अफगानिस्तान को हराकर सुपर सिक्स में प्रवेश कर ही लिया। कप्तान देव खनल की शानदार बल्लेबाजी और आकाश चंद की घातक गेंदबाजी की बदौलत नेपाल ने अफगानिस्तान को पटखनी दे दी। नेपाल के तेज गेंदबाज आकाश चंद ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी। आकाश चंद ने 5 विकेट लेकर अफगानिस्तान को सिर्फ 145 रन के स्कोर पर रोक दिया। आकाश चंद ने 8 ओवर में 34 रन देकर 5 विकेट लिए। एक वक्त ऐसा लग रहा था मानो नेपाल ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगा, लेकिन बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया। नेपाल का टॉप ऑर्डर फिर फेल रहा। अर्जुन कुमार 10 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मैच के हीरो बिपिन रावल भी महज 2 रन बनाकर आउट हो गए और गुलशन झा को आशीष त्रिपाठी से ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी सस्ते में निपट गए। आखिरकार देव खनल ने मोर्चा संभाला और उसके बाद दीपक बोहरा ने भी शानदार साथ निभाया, लेकिन फिर 58 रन पर देव खनल भी आउट हो गए और लगने लगा कि अब नेपाल ये मुकाबला हार जाएगा। लेकिन किसी तरह आखिर में नेपाल ने ये मुकाबला जीत लिया और अफगानिस्तान को हराकर सुपर सिक्स में प्रवेश कर लिया। अब नेपाल ग्रुप डी में टॉप 3 टीमों में से एक आ चुकी है, यानी नेपाल अब सुपर सिक्स खेलेगा। ये मुकाबला इस मायने में बेहद अहम था क्योंकि भले ही रन स्कोर बहुत छोटा रहा हो, लेकिन मुकाबला बेहद रोमांचक था। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि शायद नेपाल ये मुकाबला हार जाएगा, लेकिन आखिरकार नेपाल के युवा खिलाड़ियों ने खुद पर से भरोसा नहीं हटाया और जम करके अफगानिस्तान के गेंदबाजों का मुकाबला किया और आखिरकार ये मुकाबला अपने नाम किया। इसी के साथ विश्व कप में न सिर्फ नेपाल की उम्मीद बाकी है बल्कि अब वो सुपर सिक्स में भी खेलेगा, ये तय है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।